हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले इंटर क्लास एनसीईआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन जो चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है, जिसका नाम है गतिमान है भी तथा चुंबकत्व। तो इसका एक मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन देखिए क्या है डेरिवेशन का नाम। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। दो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के साथ जो 5 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, परिपथीय नियम बताना है और इसकी व्याख्या से धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबक क्षेत्र हेतु व्यंजक ज्ञात करना है। क्या करना है? व्यंजक ज्ञात करना है। ये लॉन्ग डेरिवेशन होने वाला है। पहला आप इसको देखिए, परिपथ का नियम समझिए क्या होता है। एम्पियर का परिपथीय नियम, किसी बंद वक्र के लिए, कोई बंद वक्र है, ओके, चित्र में समझेंगे कि बंद वक्र क्या होता है। किसी बंद वक्र के लिए चुंबक क्षेत्र वी वेक्टर का रेखीय समाकलन, किसका? वी वेक्टर का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। इसके सूत्र से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, किसी बंद वक्र के लिए चुंबक क्षेत्र क्या होता है? वी, और यहाँ पर वी वेक्टर है, रेखीय समाकलन की बात कर रहा है तो रेखीय के लिए वेक्टर लगाया गया है। तेरे देखिए, चुंबक क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद वक्र के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में कुल धारा क्या है? आई का म्यू नॉट गुना होता है। तो देखिए, आई के गुना में कौन है म्यू नॉट? तो म्यू नॉट गुना होता है या फिर म्यू नॉट के गुना के बराबर होता है। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ये था इसका एम्पियर का परिपथ का नियम। अब हम समझते हैं और इसको सोल्व करते हैं। क्या सोल्व करते हैं? इसकी व्याख्या से धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबक क्षेत्र का व्यंजक अब इसका ज्ञात करते हैं। ये आपका सोल्व हो चुका है डेफिनेशन। अब देखिए, अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसका करने वाले हैं सोल्यूशन। देखिए, काफ़ी ईजी होने वाला है सोल्यूशन, आप वीडियो में बने रहें। देखिए, इसकी गणितीय व्याख्या आप चित्र के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। माना एक्स वाई एक क्या परिनालिका है। इसकी त्रिज्या क्या है? देखिए, यहाँ से लेकर वृत्त की आधी क्या होती है त्रिज्या? इसकी त्रिज्या क्या है? ए है। क्या है फ्रेंड्स? ए है। तथा इसकी प्रति एकांक की लंबाई पर, इसकी प्रति एकांक की लंबाई पर फेरों की संख्या, ये जो टोटल फेरों की संख्या हमने मान ली है एन है। संख्या मतलब नंबर मतलब एन, नंबर का एन उठा रखा है। मान लो परिनालिका में जो धारा है वह आई धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है फ्रेंड्स? आई धारा प्रवाहित हो रही है। चित्र के अकॉर्डिंग आप ये हिंदी लिख सकते हैं जो हम पहले लिख चुके हैं टाइम बचाने के लिए। तो आपको करना क्या है, इन भुजाओं ए बी वी सी सी डी और ए डी, इन चारों भुजाओं का आपको रेखीय समाकलन करना है, जिससे कि आपको ये फॉर्मूला सिद्ध करके लाना है। बी बराबर म्यू नोट, या फिर कह सकते हैं म्यू नोट एन आई या म्यू जीरो एन आई, इस टाइप से आप इसको पढ़ सकते हैं। यह हमें सिद्ध करके लाना है। तो चलिए इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करना आ गया। तो ये होगा एम्पियर के परिपथ के नियम से। तो एम्पियर का परिपथ का नियम क्या था? समाकलन वी वेक्टर इंटू डी एल वैक्टर। तो देखिए, इसका चुंबक क्षेत्र का समाकलन करना हमें, तो इन चारों भुजाओं का चुंबक क्षेत्र का समाकलन करना है। भुजा ए बी का करना है, फिर बी सी करना, फिर सी डी करना, फिर करना ए डी का। तो देखिए, चारों को लिख लें। समाकलन, लिमिट लेनी है पहले ए से बी तक की, ए से बी तक की, फिर लिख देना है कि आपको बी डी एल, ओके, प्लस फिर लेनी है लिमिट आपको बी से सी तक की, बी से सी तक की, तो बी से सी तक की, फिर लिख देना बी डी एल, फिर लिमिट क्या लेनी है? फिर लेनी है सी से डी तक की, सी से डी तक की लिमिट, तो ये लिख देना आपको बी डी एल। फिर लेनी है लिमिट आपको क्या, ए से डी तक की, डी से ए तक की बात एक ही है, तो क्या ले लें, ए से डी तक की, तो क्या आ जाएगा बी डी एल। इसको कहते हैं आप समीकरण नंबर फर्स्ट। ये समीकरण आपको समझ में आनी चाहिए, बाकी सॉल्यूशन आसान है। तो पहला हम कर रहे हैं इस वाले को हल, किसको? ए से बी तक को हल कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, अब देखिए क्या होगा, अब कर रहे हैं हम फर्स्ट कंडीशन को हल इस वाले को, क्या है? समाकलन ए से कहाँ तक की है? बी तक की। तो बी डी एल का समाकलन कर रहे हैं हम, बी डी एल का समाकलन। तो यहाँ पर रेखीय घनत्व तो इसका घटेगा, रेखा यहाँ से हटेगी, तो यहाँ से आ जाएगा बी डी एल, क्या आएगा? कोस थीटा। तो आगे देखिए क्या होगा, देखिए बी डी एल, और यहाँ पर देखिए कोस, यहाँ पर क्या है? रिजुरेखीय रेखा है। 180 का एंगल बनाएगी या फिर जीरो का बनाएगी, तो कोस जीरो की वैल्यू, यहाँ पर कोस जीरो की वैल्यू पुट हो जाएगी। तो यहाँ पर बी डी एल और कोस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो
तो यहाँ पर देखिए बी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, क्या है बी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसको थोड़ा सा बाहर को लिख लें। देखिए इसको कहाँ पर लिख लें, बाहर को लिख लें, समाकलन यहाँ से बचेगा क्या डी एल, और बन से गुणा करेंगे वापस में यही आ जाएगा, और चूंकि क्या होगा डी एल का समाकलन क्या हो जाएगा एल, तो यहाँ पर आ जाएगा बी एल, क्या आ जाएगा फ्रेंड्स बी एल। चाहो तो चूंकि करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, समाकलन ए से बी तक का डी एल का समाकलन क्या आया है बी एल, चूँकि क्या है भुजा की लंबाई है, क्या है ये क्या है फ्रेंड्स भुजा की लंबाई, इसको लिख देंगे भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई बी एल क्या है भुजा की लंबाई। तो देखिए हमने फर्स्ट कंडीशन को सोल्व कर दिया, देखिए सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, सेकंड कंडीशन आपको ये वाली सोल्व करनी है बी से सी तक की, तो सेकंड कंडीशन बनेगी आपकी समाकलन बी से सी तक की लिमिट है बी डी एल, बी डी एल यहाँ पर फिर से ये वेक्टर हटेंगे तो समाकलन क्या आ जाएगा बी से सी बी डी एल कोस थीटा, और थीटा यहाँ पर देखिए यहाँ पर थीटा चित्र में समझिए थीटा क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर हम दूसरे वाले में ले रहे हैं किसमें, इसमें बी से सी तक, बी से सी तक, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री तो कोस 90 की वैल्यू यहाँ पर फिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी कोस 90 की वैल्यू यहाँ पर फिट होगी, तो कोस 90 डिग्री, और कोस 90 का मान होता है जीरो, तो सबको कर देखिए जीरो से सबकी गुणा करके जीरो बना देगा, तो सेकंड कंडीशन में क्या आ गई वैल्यू जीरो, सेकंड कंडीशन में क्या आ गई फ्रेंड्स वैल्यू जीरो। तो देखिए इसकी थर्ड वाली कंडीशन देखिए, थर्ड वाली कौन सी है सी से डी, सी से डी क्या है समाकलन करना है किससे सी से डी तक बी डी एल, समाकलन कर दें इसका, समाकलन सी से डी का बी डी, देखिए बी डी एल यहाँ पर आ जाएगा कोस क्या आ जाएगा समांतर है, तो यहाँ पर कोस जीरो की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर जीरो, तो देखिए यहाँ पर कोस जीरो है, चूँकि यहाँ पर लिख दें देखिए यहाँ पर क्या है सी डी का मान निकाल लें हम, किसका सी डी का, तो यहाँ पर चित्र में समझिए एक सेकंड के लिए, हम निकाल लें सी डी का मान, सीडा सी डी जो है ये जो सी डी है ये परिनालिका के बाहर है, तो परिनालिका के जो बाहर है तो यहाँ पर धारा होगी शून्य, परिनालिका के बाहर यहाँ पर देखिए धारा केवल परिनालिका के अंदर है और बाहर क्या होगी धारा शून्य, तो शून्य से गुणा करके सबको जीरो बना देगा, ये क्या बना देगा फ्रेंड्स यहाँ पर बना देगा सबको जीरो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी डायरेक्ट लिख लें क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू भी जीरो, क्या आ जाएगी जीरो लिख दें, चूँकि परिनालिका के बाहर, परिनालिका के बाहर धारा क्या होती है धारा शून्य होती है, परिनालिका के बाहर क्या धारा शून्य होती है, इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए इसकी चौथी वाली कंडीशन को सोल्व करते हैं फ्रेंड्स, चौथी वाली कंडीशन क्या है, चौथी वाली कंडीशन आपकी ये है कौन सी ए से डी तक की लिमिट है इसकी ए से डी तक की बी डी एल, क्या है बी डी एल, तो यहाँ पे भी फिट कर दें इसी तरीके से समाकलन ए से डी तक की वेक्टर लगा दें थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, तो वी डी एल कोस यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू क्या जीरो, तो इसका मान भी क्या आ जाएगा जीरो, कोस 90 का मान क्या है जीरो, तो सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी चौथी कंडीशन की जीरो, तो सभी का मान समीकरण एक से फिट कर दें, समीकरण किससे समीकरण समीकरण एक से हल करने पर, समीकरण एक से हल करने पर देखिए इसको समीकरण एक से हम इसको हल कर रहे हैं, तो क्या थी समीकरण एक, समीकरण एक थी आपकी समाकलन बी वेक्टर इंटू डी एल वैक्टर, इसके बराबर में चार मान थे, चार भुजाओं के मान थे, तो पहले का सोल्व हो आया था वी एल, दूसरे का आया था आपका ज़ीरो, तीसरे का भी आया था ज़ीरो, चौथे का भी आया था ज़ीरो, तो इनके तीन के ज़ीरो, एक का वी एल आया था, ओके चलिए समाकलन वी इंटू डी एल बराबर आ जाएगा क्या आ जाएगा वी एल, क्या आ जाएगा
वी एल, इसको कह दो समीकरण नंबर आप दो, ये कह दो समीकरण नंबर दो। अब करेंगे एम्पियर के परिपथ के नियम से, इसको सॉल्व करेंगे एम्पियर, एम्पियर के परिपथीय, परिपथीय नियम से, नियम से क्या था एम्पियर का परिपथीय नियम फ्रेंड्स, काफ़ी इजी है। तो देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम था कि समाकलन वी वेक्टर इनटू डीएल वेक्टर, वी वेक्टर इनटू डीएल वेक्टर बराबर था म्यू नोट, म्यू नोट ओके एन आई, ये था। अब देखिए पूरी परिनालिका में इसकी एकांक लंबाई हमने क्या मानी थी, एल, क्या मानी थी एल, तो एकांक लंबाई का हमने एल ले लिया, इसकी कुल फेरों की संख्या एन है, एकांक लंबाई एल है, आई क्या इसमें धारा है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, तो देखिए इसको क्या कहते हैं समीकरण नंबर तीन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं तीन, इसको कहते हैं इसकी सबकी गुणा करते हैं म्यू नोट एन आई एल, ये सबको इसकी गुणा कर दी यहाँ पे, समीकरण कह दी इसको तीन, क्या कह दी समीकरण नंबर तीन। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए काफ़ी इजी है कि समीकरण, समीकरण इसको दो को और तीन को, समीकरण दो, समीकरण दो और समीकरण तीन को हल करने पर, क्या करने पर, हल करने पर। तो देखिए समीकरण दो का मान क्या आया था, बी एल, क्या आया था फ्रेंड्स बी एल, और तीन का मान ये आया है, देखिए यहाँ पे भी बी वेक्टर डी एल है, यहाँ पे भी बी वेक्टर डी एल है, तो समान है, तो इसके मान ये अगर के रखे जाएंगे, यहाँ से रखे जाएगा म्यू ज़ीरो या म्यू नोट एन आई एल। तो देखिए ये गुणा में है, गुणा की संख्या इसके बटे में जाएगी, तो हम पहले काट देते हैं एल से एल, यहाँ पर कट, जो बचा वो आंसर बी बराबर बचा यहाँ से म्यू नोट, यहाँ से बचा एन आई। यही हमें फ्रेंड्स क्या करना था, सॉल्व करना था। एक बार इसको चित्र में देख लें, देखिए फ्रेंड्स क्या करना था, हमें सिद्ध करना था कि बी बराबर म्यू नोट एन आई होता है, तो ये हम सिद्ध कर चुके हैं, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में।